तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके पास एक इल्यूजन होगा, है ना, कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, कुछ इसको सिंप्लीफाई किया जाए फिर कुछ आएगा, पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगेंगे। लेकिन आपका दिमाग का एक कोना यहाँ भी जाना चाहिए कि जो कॉस एक्स है वो साइन एक्स का डेरिवेटिव है ना, तो क्यों ना हम लोग, और यहाँ भी साइन एक्स है और यहाँ भी साइन एक्स है, तो क्यों ना हम लोग इसे क्या करें, साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दें, कुछ यू बी टी कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दें, ताकि ये क्वेश्चन पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन से मोल्ड होके ये रेशनल फंक्शन में चला जाए, है ना। उसके बाद हम आगे हैंडल करेंगे कि आगे का रास्ता हम देखेंगे कैसे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला जो एंकर पॉइंट आपका है, आपने सीधे स्ट्राइक किया क्वेश्चन को कि आपको रेशनल फंक्शन में इसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको साइन एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा, कुछ से टी पुट कर दिया, है ना, लेट, तो क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स, फिर ये हो जाएगा टी का 1 dt। तो जो कॉस एक्स डी एक्स है इसको आपने dt प्लेस कर दिया, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस टी और 2 माइनस टी हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपके पास तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये तो रेशनल एक्सप्रेशन है ना, ऊपर से प्रॉपर है, और तीसरी बात सारा लीनियर फैक्टर इन्वॉल्व है। ये तीन ऑब्जर्वेशन तुरंत आपको स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। इसे क्या करना पड़ेगा, फिर हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लें, मतलब लीनियर फैक्टर के अलग अलग क्लस्टर्स हम ब्रेक कर लें और इंडिविजुअली हम इसे इंटीग्रेट कर लें। तो क्या करेंगे हम लोग, दैट कुड बी रिटर्न एज ए पार्शियल फ्रैक्शन इन टर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन 2 माइनस टी, इट कुड बी रिटर्न एज ए से ए अपॉन 1 माइनस टी और प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी। और ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम पहले बिगनिंग वाले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां से जाके कोई आप एक तरीका पिकअप कर लोगे जो आपको सूट करता है ना। हम यहाँ डायरेक्ट निकाल रहे हैं, हमें ए की वैल्यू चाहिए, ए के नीचे 1 माइनस टी है, 1 माइनस टी को हाइड कर दिया हमने, और यहाँ पे जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है वहाँ टी की वैल्यू 1 रख दीजिए, जहाँ पे ये 0 होता है ना, तो 1 माइनस टी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स t इक्वल्स टू 1। आप इसे हाइड करके 1 माइनस टी को हाइड करके यहाँ पे रख दोगे, सिर्फ यहाँ पे रखोगे और कहीं नहीं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2 माइनस 1, मतलब 1 हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से बी की वैल्यू हमें निकालना है, तो बी मतलब क्या करें हम लोग, टी 2 माइनस टी को 0 प्लेस कर दें, तो यहाँ से t 2 आ जाएगा। अब इस साइड में 2 माइनस टी को हम हाइड कर लेते हैं, जो बचा वहाँ पे हम t की वैल्यू क्या प्लेस कर दें, 2 प्लेस कर दें, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो b की वैल्यू हमारी -1 आ गई। प्रॉपरली कैसे करना है आप प्रीवियस क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं, ठीक है, जो बिगिनिंग क्वेश्चन हमने हैंडल किया है। डी एक्स ये क्या हो गया आपका, लीनियर ऑपरेटर होता है चूँकि इंटीग्रेशन, तो वो इंडिविजुअली इसको इंटीग्रेट कर लेगा, इसका क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ से माइनस साइन बाहर कर लेते हैं ना, तो माइनस और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, दैट कम्स आउट टू बी लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस टी, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस टी, और प्लस इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट लिखिए। ये स्टेप आंसर तो हो नहीं सकती है क्योंकि टी हमारा डमी वेरिएबल है, क्या करना पड़ेगा, टी आपका क्या था, टी था साइन एक्स, वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। उससे पहले हम लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देते हैं, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन क्या होता है, एन होता है, तो 2 माइनस टी मॉड हो जाएगा, ये लॉग हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, प्लस सी हम लिख देते हैं। खैर टी हमने कहा कि डमी वेरिएबल, आंसर देना नहीं है टी में, तो क्या करेंगे, टी को हम रख देंगे, ये एक सिंगल मॉड रख देते हैं, एंड दैट इज 1 माइनस टी क्या है आपका, साइन एक्स है, और 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।